इस समय मौजूद हैं हरियाणा के करनाल में और करनाल के कैथल रोड पर स्थित जो फ्लाईओवर है आप देख सकते हैं कि पिछले 16 दिनों से यहां पर काम चल रहा है। हालांकि कंपनी ने सरकार को प्रशासन को यह बात कही थी कि 25 दिन में वे अपने काम को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से स्लो स्पीड से काम चल रहा है और अभी जो है आधा फ्लाईओवर भी जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है। 16 पॉइंट्स हैं जिनको अभी खोदकर आप देख सकते हैं कि लेबर जो है ठीक कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा असर इसका दुकानदारों को है या जो लोग यहां से निकलते हैं जो रोजाना जाते हैं, क्योंकि काछवा रोड वाले फ्लाईओवर से जब ट्रैफिक जाता है तो बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ भाड़ रहती है, लोग हमेशा जाम में फंसे रहते हैं। हालांकि NHAI की तरफ से यह बनाया जा रहा है, जो एक प्राइवेट ठेकेदार को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, लाखों रुपए की लागत से यह एक पुल की जो रिपेयरिंग की जा रही है, लेकिन उससे काफी ज्यादा लोग परेशान है। इस समय हमारे साथ एक बुजुर्ग है, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे, जो कभी कभार जब यहाँ से निकलते हैं तो काफी परेशानी होती है और सबसे बड़ा नुकसान जो है दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है। तकरीबन 16 दिन से जो है उनका काम काज ठप है। हमारी आप सभी से अपील है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, यहाँ से पैदल जा रहे हैं साइकिल पर, परेशानी जरूर होती होगी? परेशानी तो है, पैदल जाते हैं साइकिल पर सवार होकर भी नहीं जा सकते। काछवा रोड से जाते हैं तो रश इतना रहता है कि वहाँ जाम होता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। जाम ये है कि पैदल यहाँ से निकल जाता है, थोड़ा बहुत परेशानी फिर भी है पैदल जाने की, लेकिन प्रशासन से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस काम को ख़त्म किया जाए ताकि परेशानी ख़त्म हो। दुकानदारों का हिसाब किताब है कि पुल के दोनों साइडों दुकानदारी ठप हो चुकी है, कोई ग्राहक नहीं आता, जो आने जाने का रास्ता हो तो ग्राहक आए। तो क्या अपील करेंगे सरकार से, प्रशासन से? यही है कि जल्दी काम ख़त्म करें और ताकि दुकानदारों को भी राहत मिले और आने जाने को भी। अब वहाँ से पुल में जाते हैं हमारे जैसे पूरे आदमी तो मुश्किल होती है, अब यहाँ से पैदल निकल गए तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी जरूर हो रही है। मैं आपको नज़दीक की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन से जो लोग हैं वो अपील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं फ्लाईओवर का जो काम है जो धीमी गति से चल रहा है उसको थोड़ा तेज स्पीड से किया जाए, क्योंकि शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए यही फ्लाईओवर है, लेकिन एक फ्लाईओवर पर जो है लोड आने के कारण जहाँ उस पर ट्रैफिक जाम रहता है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आते हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के कैथल रोड वाले फ्लाईओवर पर, जहाँ पर NHAI की तरफ से ये काम किया जा रहा है। हमारी आप सभी से अपील है, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो परेशानी है वो काफ़ी ज़्यादा उठानी पड़ रही है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, किस तरह से सरकार से प्रशासन से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं जो लोग यहाँ से निकलते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, काफ़ी दिनों से यहाँ पर आ रहे होंगे, परेशानी जरूर होती होगी? हाँ जी आ रहे, तो अपील करेंगे कि जल्दी बने, काम स्लो स्पीड से चल रहा है थोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों से अपील करते लोग अपील करते हुए, और हमारी आप सभी से अपील है कि इस खबर को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासन तक ये खबर जरूर पहुंचे और जिस किसी कॉन्ट्रैक्टर को ये जो इसका काम दिया गया है कम से कम जल्दी जरूर होना चाहिए। हम आपको बताना चाहेंगे, लगातार जितने भी दुकानदार हैं उनके हमारे पास फोन आते हैं कि किस तरह से उनका जो कामकाज है वो काफी ज्यादा ठप हो चुका है, दुकानदार जो है खाली बैठे रहते हैं। 16 दिन हो चुके हैं इस काम को शुरू हुए हुए, लेकिन कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं इस समय मौजूद है उसी फ्लाईओवर पर, जिसका आप देख सकते हैं कि लोग हालांकि पैदल आकर, क्योंकि काछवा रोड फ्लाईओवर से अगर वह जाते हैं तो काफी ज्यादा परेशानी होती है, जाम वहां पर लगा जाता है। किस तरह से आप ये देख सकते हैं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, महिलाएं यहां पर मौजूद है। हमारी आप सभी से अपील है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर जरूर करें। तो जैसे कि मेरे सहयोगी ने आपको दिखाया किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, आप इस समय लाइव तस्वीरें कैसा फ्लाईओवर है उसकी देख रहे हैं। कार्य हालांकि जो है शुरू कर दिया गया है अपने आप में, लोगों को इसकी सहूलियत जरूर मिलने वाली है, लेकिन अगर कार्य की गति की हम लोग बात करें तो गति काफी अभी तक धीमी है, जिसके चलते जैसे कि हमने अभी यहाँ पर एक मौजूद बुजुर्ग से बातचीत की, उनका भी कहना था कि किस तरीके से अगर दुकानदारों के काम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ठप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से लोगों का आना जाना जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। कुछ महिलाएं हम बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, जल्दी काम हो, जल्दी काम होना चाहिए, यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो रोजाना जाते हैं यहाँ से आप? हाँ जी, रोज देरी जाते हैं, तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ का कार्य जो है पिछले काफी दिनों से चल रहा है, तो काछवा रोड फ्लाईओवर से अगर घूम कर जाएं तो उसमें काफी ज्यादा समय तो लगता ही है, लेकिन साथ ही साथ जाम की स्थिति जो है वो भी बन रही है। काफी लोग जो है वो यहाँ पर पैदल आकर आगे से जो है रिक्शा और ई रिक्शा ले लेते हैं ताकि उनका समय जो है वो बच सके। तो कहीं ना कहीं हमारी आप लोगों से अपील यही है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम लोग सरकार या इन लोगों का
का एक मैसेज पहुंचा सके कि जिनको काफी समय से जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनकी जल्द से जल्द जो है कार्य काम का ठप हुआ है। लोगों का दुकानदारों का जल्दी बनाया जाए, 25 दिन में बनना था ये, करना पड़े कुछ, लेकिन 16 दिन हो चुके हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ से कितनी दफा जाते हैं और कितनी परेशानी? मैडम परेशानी इतनी है कि हम कह नहीं सकते, क्यों यहाँ सीधा जाना पड़ता है, वहाँ ऊपर से बहुत या कम से कम 8-10 किलोमीटर का फैसला करते हैं और रोज दिन का ये हो चुका है, इतने खड्डे हैं, कई मौतें हो चुकी हैं यहाँ जेल के सामने, गाड़ी के नीचे आके, बस के नीचे आके बेचारा वो मारा गया गरीब आदमी। और ये इस सड़क का हाल नहीं, जितनी ही सड़कें हैं सभी बेकार है, ये सरकार है जो ये बेकार है, जो आज जेल तक जाने का रास्ता है ना, वो भी मतलब काफी खराब हुआ है किसानों के ऊपर, जो इन्होंने 625 रुपये माजवे के तौर पे लगा दिया है बीमा, और वो किसान पहले मरा पड़ा है, वो कैसे भरेगा किसान? सर कैथल रोड की अगर हम बात करें, हालांकि काफी समय से लोगों की डिमांड थी कि इसको ठीक करवाया जाए क्योंकि काफी बुरी हालत थी इस सड़क की, अब इसको ठीक करवाया जा रहा है लेकिन कार्य जो है काफी धीमी गति से चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कुछ आप प्रशासन से सरकार से अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से अपील करना चाहूंगा कि वो हालात बहुत सड़क खराब है अभी भी, और धीमी गति से आस्ते आस्ते काम चल रहा है, एक वो किया जाए जल्दी से, और दूसरा जो ठंड का बाईपास है, ठंड का बाईपास जो जल्दी से जल्दी बनाया जाए, क्यों वहाँ दिन रात जाम इतना रहता है कि 3-3 घंटे कई बीमार आदमी है, एक आदमी ने बीच में दम तोड़ दिया इस वजह से कि वो हॉस्पिटल में पहुंच नहीं सका, क्यों कम से कम प्रशासन को ये तो ध्यान देना चाहिए भी ये खड्डे हैं, यहाँ जाम लगा हुआ है, यहाँ काम नहीं होता, ये सरकार किसके लिए? सरकार हमारे लिए, और जब हमारा काम नहीं होगा हम आगे के लिए सरकार को हम वोट नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। देखा हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद थे और जैसे कि उनका कहना था, हालांकि अगर हम लोग कैथल फ्लाईओवर जो है इसकी अगर बात करें, काफी समय से इसकी काफी बुरी हालत थी, जनाजे की टीम ने भी काफी बार दिखाया किस तरीके से लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जाम यहाँ पर लग जाता था, एक्सीडेंट यहाँ पर होते थे, हालांकि उसका कार्य शुरू जरूर किया गया, आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्लाईओवर को जो है ठीक किया जा रहा है, लेकिन कार्य की गति काफी धीमी है जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और केवल यही नहीं, जैसे कि हमें यहाँ पर अभी मौजूद सरदार जी ने भी बताया कि किस तरीके से जेल की तरफ जाने वाले रास्ते की बात की जाए या फिर संघ की तरफ जाने वाले रास्ते की बात की जाए, उनकी भी हालत काफी ज्यादा खराब है, उन पर भी ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जल्द से जल्द वे रास्ता भी ठीक करवाने की जरूरत है। लाइव तस्वीरें करना देंगे सर आपको, जिस समय देख रहे हैं कैथल रोड फ्लाईओवर की, जिसका कार्य शुरू हो चुका है, रोड की कंडीशन की बात की जाए तो काफी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर अधूरी प्लानिंग के साथ काम किया गया, जल्द काम किया जा सकता, तो शुरुआत में तो 16 दिन यहाँ पर काम ही हो रहा था, अब हालांकि मीडिया में खबरें 12 बजे चली तब थोड़ी तेजी जरूर हुआ है, ठेकेदार का कहना है कि 25 दिन का समय बता रहा, 5 तारीख तक हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा कि 5 तारीख तक हो, महीना अभी 25 दिन लग सकते हैं, 16 दिन और भी काफी ऐसी जगह है, उनकी हालत कष्ट है, रोड जिनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, तो उनको भी कहीं ना कहीं जल्द से जल्द सहयोगी से सवाल पूछो पूछ लेगी सहयोगी यहाँ पर मौजूद है, एक बार मैं उनसे भी जानना चाहूंगी क्या कुछ आप बताना चाहेंगे। हम बात करें काफी बुरी हालत काफी जगहों पर है और यहाँ पर काफी बुरी हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उर्वशी जिस तरह से सरकार बातें करती है, ये NHI AI हम इतने बड़े जो पुल हैं उनकी रिपेयरिंग को बहुत जल्दी से बहुत तरीके से इस पर काम करेंगे, लेकिन काम तरीके से हो नहीं रहा है, 5 तारीख तक का समय मांगा है, 25 दिन का समय मांगा है, लेकिन ये 25 दिन पूरे होने को आए हैं, महज 16 दिन हो गए हैं, मीडिया में खबरें आने के बाद ये जो काम है वो तेज़ी से हुआ है, रोज़ाना फोन आ रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ को कि काम तेज़ी से नहीं हो रहा है, यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि महज 9 दिन और बचे और 9 दिन में प्रशासन को ठेकेदारों को NHAI को समझना होगा कि काम आप जल्दी करवाएं, क्योंकि कैथल और करनाल को ये पुल पूरी तरह से जोड़ता है, क्योंकि जो सारा ट्रैफिक कैथल से आता है वो करनाल होते हुए इस पुल से चले जाता है,
जरूरत थी इस पुल को रिपेयरिंग की जरूरत थी, क्योंकि मैंने जब इस पुल का हमने दौरा किया देखा तो पैचेज काफ़ी ज़्यादा हैं, तरेड़े काफ़ी हैं, वो कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। लेकिन सरकार को प्रशासन ने बिना प्लानिंग के, एक अधूरी प्लानिंग के साथ ये काम शुरू किया। अब समझना होगा NHAI को, ठेकेदार को, कि आप 9 दिन के अंदर काम पूरा कैसे करेंगे। 10 लोग लगे हुए हैं, 10 लोगों से ये काम पूरा नहीं होगा, 15 लोग लगे हुए हैं उनसे ये काम नहीं होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठेकेदारों को वहाँ पर, मजदूरों को काम करने की ज़रूरत होगी, ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं, खासकर जो कैथल से आते हैं या जो पूरा ट्रैफिक है कैथल जाने वाला, वो काशवा पुल पर जाता है और वहाँ पर इतनी समस्या होती है रोज़ाना की, ट्रैफिक जाम हो गया, यहाँ पर आइए ट्रैफिक जाम हो गया, पुलिस व्यवस्था भी चरमरा सी जाती है क्योंकि समस्या इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो समझना होगा ठेकेदारों को, NHAI को, प्रशासन को, सरकार को, कि अधूरी प्लानिंग के साथ आप काम ना करिए, काम करिए तो एक पूरा मैप तैयार कीजिए कि हमें कितने दिन में ये काम पूरा करना है और उन दिनों के अंदर अंदर पूरा पुल पूरी तरह से रिपेयर हो जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि मेरे सहयोगी ने भी बताया, कार्य जो है उसकी शुरुआत की गई है, अच्छे तरीके से जो है कैथल रोड जो है, ये कैथल रोड का जो फ्लाईओवर है उसका कार्य शुरू ज़रूर किया गया है, लेकिन अगर हम लोग एक सही तरीके की बात करें, शायद सही तरीके से जो है इसको नहीं बनाया गया, क्योंकि लोगों को परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। काछवा रोड से अगर हम बात करें, वहाँ से ट्रैफिक जा ज़रूर रहा है, लेकिन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लोड जो है वहाँ पर पड़ चुका है, जिसके चलते जाम की स्थिति वहाँ पर बनी रहती है। ट्रैफिक पुलिस हालांकि वहाँ पर मौजूद ज़रूर होती है, लेकिन हैवी व्हीकल्स का वहाँ से रोज़ाना आना जाना, 2 व्हीलर्स वहाँ पर हैं, 4 व्हीलर्स वहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं, जिसके चलते उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन केवल यही नहीं, अगर हम लोग दोनों साइड के दुकानदारों की भी बात करें, दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस द्वारा जो है हालांकि बैरिगेटिंग लगाई गई है, जो कि बहुत ही एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर कार्य चल रहा है तो दोनों तरफ से बैरिगेटिंग लगाई जरूर गई है, लेकिन दुकानदारों के अगर हम लोग काम की बात करें, उनकी रोज़ाना की जो इनकम थी उसकी बात करें, उसमें कहीं ना कहीं का डाउनफॉल ज़रूर आया है, क्योंकि लोगों का यहाँ से जाना आना जो है वो बंद हुआ पड़ा है। और रोड की कंडीशन की अगर हम बात करें, जैसा कि मेरे सहयोगी ने भी कहा कि हालांकि कार्य शुरू किया गया है, 25 दिन की जिसकी डेडलाइन दी गई थी और 16 दिन इसको हो चुके हैं, महज कुछ ही दिन शेष हैं। और आप देख सकते हैं फ्लाईओवर की हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो बचा हुआ एरिया है फ्लाईओवर का, उस पर अभी कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। लोगों की बात करें, 10 से 15 जो मजदूर हैं, जो लेबर है, वो लगी हुई है, लेकिन उससे ये पूरा फ्लाईओवर जो है 7-8 दिनों में जो है पूरा नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं NHAI के जो अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, जिला प्रशासन हो या फिर सरकार हो, उन्हें कहीं ना कहीं इस पर देखने की ज़रूरत ज़रूर है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत ज़रूर है कि क्या इस तरीके से 25 दिन की जो इनका टाइम था, क्या उस टाइम में ये फ्लाईओवर का कार्य पूरे होने में महज कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं। 15 इस काम को शुरू हुए हुए हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पूरे तरीके से फ्लाईओवर की जो कार्य होना चाहिए था, जो जिस स्पीड से होना चाहिए था, उस स्पीड से नहीं हो रहा है, इसके चलते लोगों को परेशानियां तो हो ही रही है, लेकिन देखने को अभी देखने से अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि 25 दिनों में ये कार्य पूरा शायद नहीं हो पाएगा, और उसके बाद भी इसी तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जो उनकी रोज़ की जितनी इनकम है वो जिस तरीके से उसका डाउनफॉल हो रहा है, वो शायद इसी तरीके से 25 दिन के बाद भी शायद बरकरार रहेगा। लेकिन भाई हम आपको इस समय उस पार्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रोड का जो कार्य है वो कुछ हद तक हो चुका है, और आप देख सकते हैं हालांकि काफ़ी अच्छे तरीके से जो है रोड बनाई जा रही है, ताकि लंबे समय तक जो है इस रोड पर जितने मर्जी चाहे हैवी व्हीकल्स आए, लेकिन रोड की कंडीशन जो है ताकि आसानी से जल्दी से ख़राब ना हो, तो काफ़ी अच्छा मटीरियल, काफ़ी अच्छी टेक्निक के साथ जो है कैथल रोड फ्लाईओवर को बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल अपने आप में यही है कि क्या अच्छी सर्विसेज देने के लिए समय भी ज़्यादा लिया जाएगा, क्या लोगों को उसके लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो हमारी बार बार आप लोगों से अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग सरकार तक, NHAI के अधिकारियों तक, जिला प्रशासन तक ये वीडियो पहुँचा सकें, ये खबर पहुँचा सकें, लोगों का मैसेज पहुँचा सकें कि जल्द से जल्द, जो कि 25 दिन का टाइम दिया गया था, उस 25 दिन में जो है इसका कार्य पूरा ज़रूर किया जाए, वरना उसके बावजूद भी जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जो कि
भी अपने आप में ही दुकानदार खाली बैठे हैं, काफी ज्यादा परेशानियों का सामना जो करना पड़ा। आप देख सकते हैं दुकानदारों की अगर हम बात करें, वे किस तरीके से अभी उनके उनके जो रोजाना की उनकी कमाई थी, जो उनका बिजनेस था, उसमें कहीं ना कहीं डाउनफॉल होता हुआ नजर आ रहा है। स्लो स्पीड से चल रहा है काम, कामकाज ठप हुआ हुआ है, स्लो स्पीड से चल रहा है काम। किस पर क्या कहें सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्य की स्पीड जो है काफी कम है, 25 दिन की डेडलाइन दी गई थी, 16 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तक कुछ कार्य उतनी स्पीड से होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तो क्या जी हम पड़ोस में देख रहे हैं कि कार्य तो चल रहा है, बेचारे दिन रात कर रहे हैं, पर सर लोग उन्होंने सड़क भी बना दी है, एक गवर्नमेंट की मजबूरी समझो, यहाँ 25 साल बाद या 30 साल बाद पुल की रिपेयरिंग होती है तो रिपेयरिंग सर। लेकिन अगर हम लोग वर्कर्स की बात करें तो कहीं उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए थी ताकि ये स्पीड से पूरा हो सके। देखो पूरी लेबर लगी हुई है, उन्होंने जोर शोर से कर, जो उन्होंने एज पर कंडीशन है कर रहे हैं वो बेचारे दिन रात ही कर रहे हैं। अब दोस्तों उनका भी नहीं, जैसा कि हमें तो लंबी चलानी पड़ेगी, काम काज पर असर पड़ रहा है, काम काज पर असर पड़ रहा है, लोग आ जा रहे हैं, पिकर वालों को दूर पड़ रहा है, और जो रेलवे ब्रिज कासा रोड का है उसमें सारी ट्रैफिक जाम होती है, पब्लिक ज्यादा है, जनसंख्या रास्ता एक है। बिल्कुल जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने मार्केट में खत्म हो गया, बिल्कुल ही खत्म। तो सर इसकी जल्दी ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। अभी इन्होंने 5 तारीख का टाइम दिया हुआ और ये सारे दिसंबर होता नहीं था, इतना काम ढीला चला हुआ। तो सर आपको भी लगता है कि ठेकेदारों द्वारा जो है वर्कर्स को बढ़ाना जाना चाहिए था, लेबर को बढ़ाया? लेबर बढ़ा देनी चाहिए, लेबर 4-5 लेबर रखते हैं और कम से कम 10 लेबर होनी चाहिए इनके पास, जिसमें 4-5 रखते हैं। पहले 13-14 दिन तो 2-4 बंदे थे, अब बढ़ाए। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हमें यहाँ पर मौजूद दुकानदार ने भी कहा कि उनका कार्य जो है वो बिल्कुल ठप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लेबर की अगर हम बात करें, वर्कर्स की बात करें, उनकी संख्या जो है काफी कम है और इसी की वजह से जो है काम लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। हम जैसा कि हमने भी कहा कि कार्य जो है काफी समय बाद जो है कैथल रोड का फ्लाईओवर का कार्य शुरू हुआ, बहुत ही अच्छी तकनीक से जो है रोड बनाई भी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी धीमी गति से अगर ऐसे ही कार्य चलता है तो लोगों को, दुकानदारों को और रोज जो यहाँ से लोग गुजरते हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उनके लिए कार्य जो है जल्द से जल्द समाप्त जरूर होना चाहिए, पूरा जरूर होना चाहिए। 25 दिन की डेडलाइन जो दी गई थी, 16 दिन उसको ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी तक आधा फ्लाईओवर भी नहीं है ऐसा जो पूरा कंप्लीट हो चुका हो। हालांकि हमारी भी अपील आप लोगों से यही रहेगी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम लोग सभी जो अधिकारी हैं उन तक ये वीडियो मैसेज पहुंचा सके कि जल्द से जल्द ये कार्य जरूर पूरा हो, ताकि जितने भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनकी परेशानियों को सामना उन्हें और ना करना पड़े और जल्द से जल्द ये फ्लाईओवर जो है पूरे तरीके से बन जाए। चावला के नाते भी न्यूज़ करना।